हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आप अपना एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी आपके लिए बेस्ट रहेगी जिसमें आपको अपना एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहिए, ताकि जो आपका जो चैनल है वो अच्छी तरह से ग्रो हो और अच्छे खासे व्यूज आपके यूट्यूब वीडियोज पे आए। दोस्तों, विद लाइव प्रूफ में आपको बताऊंगा, सभी कैटेगरी के लाइव प्रूफ में आपको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी आपको बेस्ट है और कौन सी कैटेगरी में अच्छे व्यूज आते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तब भी, या फिर आपने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया बट आप अभी भी कंफ्यूज है कि कौन सी कैटेगरी की वीडियोस आप अपलोड करें, तब भी आपके लिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप एक नए यूट्यूबर हैं और अपना एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करके यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी कैटेगरी में चैनल ओपन किया जाए ताकि आपका जो चैनल है वो ग्रो भी करे और अच्छे खासे व्यूज आपकी वीडियोस पे भी आए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी कैटेगरीज जिसपे अगर आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो आपको अच्छे खासे व्यूज आपकी वीडियोस पे मिलेंगे और आपके जो चैनल की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। तो बात करते हैं हम उन कैटेगरीज की, कौन सी है वो कैटेगरीज। उससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एक अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देखें कि आप सबसे अच्छी चीज क्या कर पाते हैं, आपके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है जो वो अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, तो उसी कैटेगरी में आप सबसे पहले अपना चैनल क्रिएट करें। आपने देखा देखी नहीं करनी है बट आपको फिर भी समझ नहीं आता कि कौन सी कैटेगरी अच्छी रहेगी, कौन सी कैटेगरी में अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छा तरह से चैनल ग्रो होगा, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी कैटेगरीज बताऊंगा जिसमें आप अच्छी खासी ग्रोथ ले सकते हो और अच्छे खासे व्यूज अपने वीडियोस पे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली कैटेगरी की। दोस्तों, पहली जो कैटेगरी है वो है रिएक्शन और रिव्यूज। दोस्तों, ये कैटेगरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस कैटेगरी में आपको टॉपिक की टेंशन नहीं रहती, आपको सोचना नहीं पड़ता कि कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, आपको आए दिन कोई ना कोई टॉपिक मिलता ही रहता है, आए दिन कोई ना कोई नया गाना रिलीज होता ही रहता है, कोई नई मूवी का ट्रेलर रिलीज होता रहता है, तो आप उस पे रिएक्शन और रिव्यूज दे सकते हो और वीडियो बना सकते हो। हर दिन कोई ना कोई वीडियो आप बना सकते हो। और इस कैटेगरी का एक फायदा और भी है, जैसे कि कोई एक नया गाना रिलीज हुआ और वो ट्रेंडिंग में चला गया, तो आप उस वीडियो पे अगर रिव्यू देते हो तो अच्छे खासे व्यूज आप ले सकते हो। मैं आपको प्रूफ भी बता रहा हूँ, साथ में आप प्रूफ भी देखते रहिएगा। मैंने खुद अपना एक नया चैनल क्रिएट किया था और मेरे को मतलब मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं थे, ना ही मैंने वीडियो कहीं शेयर की ना ही कुछ, बट फिर भी मेरी वीडियो जो है वो अच्छे खासे व्यूज इसमें आने लगे थे, मतलब अच्छे खासे व्यूज इस वीडियो में आ गए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं विद लाइव प्रूफ में आपको सब कुछ बता रहा हूँ। अगर आप एक अपना नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट कैटेगरी है ये, ना ही इसमें आपको टॉपिक की टेंशन रहती है और ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है और व्यूज भी अच्छे खासे आते हैं इस कैटेगरी में। तो ये थी हमारी पहली कैटेगरी। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरी कैटेगरी की। तो दोस्तों, दूसरी कैटेगरी है दोस्तों कुकिंग। अब ये भी एक अच्छी कैटेगरी है क्योंकि इसमें भी आपको टॉपिक की टेंशन नहीं रहती, बस आपको आए दिन अब जो भी आपका दिल किया आप वो कुक कर सकते हैं, बना सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं कि इसको कैसे बनाएं। बस आपका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए और अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया होना चाहिए, तो मतलब वीडियो जो है वो चलेगी, ठीक है। तो ये भी एक बेस्ट कैटेगरी है अगर आप एक अपना नया यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं और आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप कुकिंग थोड़ी बहुत कर लेते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये जो कैटेगरी है मैक्सिमम मतलब वुमेंस के लिए और लेडीज़ के लिए अच्छी है क्योंकि उनको कुकिंग काफ़ी, जो औरतें होती हैं अच्छी तरह से कुक कर लेती हैं, अच्छा खासा खाना बना लेती है, तो उनके लिए एक अच्छी कैटेगरी है। अगर आप लड़के हैं अच्छी कुकिंग कर लेती हैं तब भी आपके लिए एक अच्छी कैटेगरी है। तो ये भी एक अच्छी कैटेगरी है जिसमें आपको टॉपिक की टेंशन नहीं रहती और व्यूज भी अच्छे आते हैं अगर आप थंबनेल अच्छी क्वालिटी का बनाते हो तो, ठीक है। ये था दोस्तों हमारी दूसरी कैटेगरी। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी। तो दोस्तों वो है फैक्ट्स। फैक्ट्स मतलब आप किसी भी साइंस से रिगार्डिंग कोई भी फैक्ट बता सकते हैं या फिर टेक के रिगार्डिंग कोई भी फैक्ट्स आप बता सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है दोस्तों इसमें भी अच्छे खासे व्यूज आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें अगर आप कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे हैं और आपने कुछ ऐसा क्लिकबेट वाला थंबनेल बता दिया तो आप मतलब व्यूज जो पर्सन आपके वीडियो पे आएगा तो वो वही देखने के लिए आएगा कि एक फैक्ट बताने जा रहा है, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट आप देख सकते हैं। जो फैक्ट टेक करके एक चैनल है वो मतलब ऐसे थंबनेल
क्लिकेबल थंबनेल बनाते हैं कि मतलब बंदे उनकी वीडियो पे क्लिक करते हैं और उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं। इसमें आपको थोड़ा सा बस टॉपिक्स ढूंढने पड़ते हैं, मतलब टॉपिक्स तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे अगर आप फैक्ट्स बता रहे हैं तो, बट आपको दस थोड़े यूनिक फैक्ट्स जो किसी ने मतलब अब मैक्सिमम बहुत सारे चैनल ऐसे हो चुके हैं, बट अगर आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हो और अच्छा क्लिकेबल थंबनेल बनाते हो तो अच्छे खासे व्यूज आप ले सकते हो। और जो फैक्ट वाले चैनल होते हैं ना, इन पे तो व्यूज भर 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 के आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी कैटेगरी है जिसमें आप अपने चैनल को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो और अच्छे खासे व्यूज अपनी वीडियोस पे ले सकते हो। दोस्तों ये थी कुछ कैटेगरीज जिसपे अगर आप अपना एक चैनल क्रिएट करते हो तो अच्छे खासे व्यूज आप अपने यूट्यूब वीडियोस पे ले सकते हो और अच्छे तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आपकी कोई राय है या कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।